नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून के दिन पड़ रही है। बता दें कि इस दिन प्रातः 3:18 से ही एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगी और 30 जून प्रातः 2:42 तक रहेगी। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून के दिन रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण ये 4 महीने मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसे चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी कुछ चीजों को नजरअंदाज करना आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं इस दिन किस तरह के कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं कि विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में एकादशी के दिन भूल कर भी जल अर्पित न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी माता की पूजा में भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ना बहुत अशुभ माना गया है। अगर आप पूजा में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले से ही पत्तियां तोड़ कर रख लें। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के आसपास अच्छे से साफ सफाई करें। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास जूते चप्पल भी ना रखें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है और इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुलसी की शुद्धता का खूब ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी झूठे हाथों या गंदे हाथों से स्पर्श न करें, इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने कर पूजा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में नकारात्मकता का वास होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।